हम सभी लोग होशियार होना जरूरी है। यह में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि सब अच्छा बैकग्राउंड से पवित्रता जीवन जी के आया हुआ व्यक्ति एक भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हमको लेके भी नहीं है कि अगर पास्टर ने जाके हम बहुत पवित्र परिवार से आया और मैंने लाइफ में कुछ गलती किया ही नहीं, ऐसा इंसान कोई भी नहीं है। हालेलुया। आज हमारा मन में यीशु को विश्वास करने का साथ साथ हमारा माइंडसेट में वही आता है कि ये सबसे ज्यादा पापी है और मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूँ। हालेलुया। आप भी याद कीजिए, जिस दिन आपने वो जीवन जी रहा था वो समय आपका भी जीवन नरक का जैसा था। हालेलुया। वो जीवन से आपने जैसे तैसे पार होके आया और आज दूसरों को आप विचार करने में लाग रहा है, दूसरों को आप अंगुली उठा के बदनाम देने लाग रहा है, ये एक्चुअली आपका काम नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और प्रभु का इच्छा पे चलना, ये आपका काम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? विश्वासी का काम ये होता है, अगर लीडर बोलने से लीडर का काम ये होता है, अगर कोई किसी ने गलत रास्ता चला गया, लीडर एक्चुअली राइट होता है कि करेक्शन करने के लिए। हालेलुया। गालियां देने के लिए लीडर का ऑथोरिटी होता है, राइट होता है। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन का ऊपर में जो लीडर प्यार करता है वो लीडर एक्चुअली आपको चोट लगने वाला बात भी बोलेगा। हालेलुया। जो आपको बहुत प्यार करता है वो आपको एक्चुअली गलतियां को देखेगा, वो डायरेक्ट भी बोलेगा, आपको खराब कर रहा है तो खराब काम कर रहा है बोलेगा, उसका बाद एक्चुअली वो चीज को आप पॉजिटिव लेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा कॉम लीडर लोग है जो सास को सास बोल रहे, झूठ को झूठ बोल रहे। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारा कम पास्टर लोग हैं जो अपना विश्वासी का गलती को गलती देखने से भी नहीं बोल के अच्छा है बोल के मालिश करने वाला पास्टर लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गलती है गलती को अंगुली उठाने वाला पास्टर लोग बहुत कम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना? अगर आप एक विश्वासी बन के अगर आप लीडरगिरी करेंगे, पास्टर से ऐसा बोलता है ऐसा बोलने के लिए एक्टिंग करेगा, जागरा होगा, नफरत बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएगा चर्च में। इसलिए विश्वासी का काम नहीं है कि अगर कोई किसी गलती किया तो गलती को गलती बोल के उसको आप लीडर जैसा करेक्शन करने का आप काम नहीं है। हालेलुया। आपका काम है प्यार से समझाना। हालेलुया। आपका काम है प्यार से सिखाना। आपका काम है प्यार से उसको अच्छा रास्ता में लाने के लिए कोशिश करना। अगर इतना भी करने में नहीं सीख रहा है, इतना बोलने में नहीं सुन रहा है, तो आप लीडर को बुलाइए। हालेलुया। हालेलुया। उसको बोलने के लिए चांस दीजिए, तूने गलती किया, क्यों किया बोल के गाली दिया, लेकिन देवी तो मालूम है जो व्यक्ति गलती में है वो तो मानने को तैयार नहीं होता है, वो दुख लगता है, शर्म लगता है, चोट लगता है, और वो नम्र बनने के लिए तो वो तो कोशिश नहीं करता है, वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। लेकिन वो कैरेक्टर को देखते हुए कोई विश्वासी जाके अगर पास्टर तो ऐसा ही है मेरे साथ भी ऐसा ही किया बोलने से, आप भी शैतान का कब्जा में गिर गया, उसको भी आप फिर से शैतान का कब्जा में बांध के रख रहा है। हालेलुया। बहुत सारा मंडली में ऐसा ही करता है, अगर पास्टर शास्त्र बोलने से वो थोड़ा सा दुख लगेगा तो उसका मौका को ढूंढते रहेगा और उसको ले जाके बोलेगा कि पास्टर ऐसा ही है, और बाहर पास्टर का अगेंस्ट बोलने लग गया है। आप भी शैतान का कब्जा में है, उसको भी आप शैतान का कब्जा में रख रहे हैं। ये विश्वासी का सबसे बड़ा घटिया और सबसे बड़ा गलती मिनिस्ट्री में, मंडली में, प्रभु का काम में रुकावट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम हमारा मंडली में ये कर रहा है नहीं बोल रहा है, आने वाला दिन में कल का दिन में आप कर सकते हैं, इसलिए होशियार हो जाओ। हालेलुया। समझ रहे ना बात को मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा? हालेलुया। आज मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहा है कि आज नहीं हो रहा है, क्या कल को नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला कल को हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति गलती में रहता है वो भी अपना सहारा ढूंढता है, दोस्त ढूंढता है, ताकि साथ में मिलके मजबूत बनो। हालेलुया। और वो सहारा लेके कुछ दिन तक वो लोग गरम गरम कुछ कुछ करने लग जाता है, और एक दिन समय आ जाता है, उसी दिन आपस में दुश्मनी पैदा हो जाता है। ये मेरा बात नहीं, वचन का बात है, देखेंगे। चलो आज का वचन कुछ ऐसे ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मैं प्यार करता हूं, इसलिए मैं तो सिखाना ही पड़ेगा। गीतमाला 55:9।
hearts. यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि destroy O Lord and divide the arms. O Lord, हे प्रभु, जो तेरे anointed दास का against में बातचीत करके गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, वो लोग का आपस का जो बोली वचन है उसको डिवाइड कीजिए बोल रहा है. Hallelujah. For I have seen violence and strife in the city. समझ रहे ना बात को क्या हो रहा है? अगर कोई गलती में है और वो कोई और दूसरा गलती करने वाला को सहारा लेके अगर खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ अगेंस्ट काम करने के लिए प्लान ले रहा है, तो वो लोग का आपस में भी वो लोग का भाषा नहीं मिलेंगे, आपस में भी वो लोग दुश्मनी ही पैदा होंगे बोला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और वैसा वाला काम बाइबल में लिखा है, ऐसा वाला काम कुछ दिन के लिए गरम 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 होगा और लास्ट में वो लोग आपस में भी टीटा हो जाता है बोला. हालेलुया. आज का दिन में इसलिए मैं आप सभी को मैं वार्निंग भी करता हूं और सिखा भी रहा हूं. हालेलुया. अगर कोई सोचता है कि हालेलुया कोई किसी का गलतिया ही नहीं है, आपका 10 रुपया भी आथना भी आपको नुकसान ही नहीं किया है, फिर भी आपका गलतिया को बता दिया, अंगुली उठा दिया और आपको सिखा दिया कि ये गलत है, ये रास्ता से नहीं जाना है, ये रास्ता से जाना है, ऐसा अगर धार्मिक जन को, ऐसा मैन ऑफ गॉड को, ऐसा प्रभु का दास को अगर आप गिराने के लिए, बदनाम देने के लिए अगर आप हर एक गलतियां करने वाला लोग को साथ में लेके कुछ प्लानिंग करेगा, वो लोग भी आपस में क्या हो जाएगा बोला, दुश्मनी ही पैदा होगा बोला. प्रभु का वचन ये बोल रहा है. हालेलुया. और ये लोग का काम क्या बोल रहा है कि कभी भी लास्टिंग नहीं होगा. कुछ दिन अच्छा से चलेगा, कुछ दिन ठीक ठाक से चलेगा, लेकिन कुछ दिन का बाद आपस में रखो नहीं देखेगा, वो हो जाता है बोला बच्चा. बहुत डेंजर है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. समझ रहे ना बात को? अभी एक एग्जांपल मैंने सारोन को बोले, आई सारोन, तुम लीडर होके क्यों ईसा कर रहा है? उसी का मौका को अगर कोई किसी ने आगे गाली खा चुका है, आगे करेक्शन कर चुका है, वचन का हिसाब से आपका नहीं हुआ है, लेकिन आप सुधरने के लिए मन नहीं है, लेकिन आपने उसको बदला लेने के लिए मन में सोच रहा है, और आप आके अगर सारोन को सहारा ले लिया तो आप तो सोच रहा है कुछ दिन के लिए बहुत तागड़ा हो गया, बैकग्राउंड बन गया, मजबूत बन गया, लेकिन कुछ दिन का बाद लास्टिंग नहीं होगा बोला. आपस में वो लोग कंफ्यूज होगा बोला, आपस में ही वो लोग दुश्मनी पैदा होगा बोला, और कभी भी परमेश्वर का दास का खिलाफ, परमेश्वर का एनॉइंटेड का खिलाफ खड़ा होगा ऐसा प्लान कभी लास्टिंग नहीं होता है बोला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. समझ रहा है ना? क्योंकि ये बात हमारा मिनिस्ट्री में नहीं हो रहा है आज काल का दिन में, लेकिन काल का दिन, आने वाला काल का दिन को हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे रखा है ताकि आपका परिवार नष्ट ना हो. हालेलुया. समझ रहे ना बात को? हालेलुया. अगर हम लोग देखेंगे एक्स चैप्टर 12:23. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. समझ रहे ना बात को? हालेलुया. इसीलिए अगर आप गलती में है, तो अगर आपका जीवन में वचन आपको लाग रहा है, आपको डायरेक्ट मतलब वचन ही आपको स्ट्राइक कर रहा है, तो आप वो वचन बोलने वाला का, वो पास्टर का अगेंस्ट बात करने का आपका अधिकार नहीं, आपका जीवन सुधारने का है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जिस दिन आप नहीं सुधारेंगे, आप प्लान लेते रहेंगे, वो पास्टर को गिराएंगे, वो पास्टर का बदनाम देंगे, जितना भी साथ में ले लो, एक दिन आपस में दुश्मनी निकालेगा. हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है. हालेलुया. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा आदमी लोग एनॉइंटेड जन होते हुए एनॉइंटिंग में गुमराह ना हो जाइए. हालेलुया. हीलिंग का एनॉइंटिंग है, हमारा आदमी लोग बीमारी में ना मरे. हालेलुया. डिलीवरेंस का एनॉइंटिंग है, शैतान का अटैक में हमारा मंडली लोग ना मरे. हालेलुया. कभी कभी क्या हो जाता है मालूम है? एनॉइंटेड दास साथ में होते हुए भी आप नरक में जाने का चांस है, और वो एनॉइंटेड जन के द्वारा बहुत सारा लोग उधार पा रहा है, और वो एनॉइंटेड जन प्रभु का जन होते हुए ही हम लोग भटकने का चांस है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.
मैं हकीकत को बताऊंगा एक दिन, या मैं प्रभु का जो काम करता है उसका बारे में मैं बताऊंगा। वो साइट मेरा जैसा कर सको या ना सको उसे मतलब नहीं। अगर कोई पास्टर बन के जो अपना शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो सके कर रहा है, वो करने वाला व्यक्ति को मेरा जैसा हीलिंग करो या ना करो, अगर उसका खिलाफ अगर आप जाएंगे, उसको गिराने के लिए अगर प्लान लेंगे, एक्चुअली आप ही वो कदा गिर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु का सेला को हेरोद राजा ने क्या किया, विरोध करने लग गया, इतना विरोध, परमेश्वर का महिमा करने तक उसने रुखा दिया। लास्ट में स्वर्ग का दूध आके वो जिंदा व्यक्ति का शरीर में ही कीड़ा कीड़ा बन गया, वो मर गया। मैं कहानी को बताऊंगा, अपना ही मेंबर दारू पी के उसको पास्टर का गलती है बोल के पास्टर का हाथ उठाने के लिए आया, मारने के लिए, मार नहीं पाया, हाथ उठाया। जिस हाथ से उसने प्रभु का दास को मारेगा बोल के हाथ उठाया, वो हाथ साइकिल से गिर के टूट गया ये सप्ताह का अंदर। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? हालेलुया। एक दिन ऐसा एक घटना हुआ, एक व्यक्ति पुलपित से प्रीचिंग कर रहा था और वो एक्चुअली प्रभु का होके ही बात कर रहा है, वो अपना व्यक्ति बन के बात नहीं कर रहा है, वो प्रभु का वचन को प्रभु का साइड में होके प्रभु का लाइन में खड़ा होके प्रसार कर रहा था। वो समय एक विश्वासी ने खड़ा होके बोला, क्या बोला मालूम है? तुम अंधो ड्राइवर है, तू अंधे ड्राइवर है। इतना बेइज्जती किया जब प्रभु का वचन को पढ़ के सुना रहा था। और वो व्यक्ति उस साल का अंदर अंधे बन गया और मर गया। हालेलुया, समझ रहा है ना? आज हम क्यों सिखा रहा है? जाने में अनजान में शायद आप लोग भी पास्टर का खिलाफ बोला होगा, उसका प्रतिफल तो सबको प्यार करना ही पड़ता है। हालेलुया, हाँ, आपको दया देगा, आपको ग्रेस देगा, माफी मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर जो आपका दिल को और आपका मन को जांचने वाला परमेश्वर है, और आपका मन के अनुसार, आपका दिल के सोच के अनुसार आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आज्ञा से कोई भी बास नहीं सकता है। ये नहीं कि मेरा अगेंस्ट में मत बोलो, मेरा खिलाफ आदमी लोग हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, ये बात को नहीं बोल रहे हैं हम। जाने में अनजान में आप कर सकता है, जिस दिन करेगा उसका प्रतिफल को आपको ही प्यार करना पड़ेगा। मैं भी कुछ कर नहीं पाता हूं, समझ रहा है ना? क्योंकि बहुत सारा टेस्टिमनी से, बहुत सारा देख के आया, इसलिए हम बोल रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नंबर वन में वो बात है, समझ गया ना? नंबर टू, मार्क द ब्लेमलेस मैन, गीतमाला 37:37। गीतमाला 37:37 बोल रहा है ना वचन को? मार्क द ब्लेमलेस मैन, जिसका कोई गलती नहीं है, गुना नहीं है, जो परमेश्वर का नजर में सीधा चल रहा है, वो व्यक्ति को आप पहचान के रखना है। हालेलुया, समझ गया ना? एंड ऑब्जर्व द एवरेज, सीधा व्यक्ति को आप नजर लगा के रखना है। फॉर द फ्यूचर ऑफ दैट मैन इज पीस, क्योंकि वो व्यक्ति का जो भविष्य है वो शांति है। हालेलुया, आज हमारा मंडली में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक रास्ता में, सीधा रास्ता में चल रहा है, तो वो व्यक्ति को आपको पहचानना है, वो व्यक्ति का खिलाफ नहीं बोलना है। हालेलुया, जो आपका परिवार में आके कुछ गुना ही नहीं किया, आपका 10 रुपया भी नुकसान किया ही नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार वो अपना सीधा रास्ता से चल रहा है, वो व्यक्ति को आपको जान के लेना है, क्योंकि उसका जो भविष्य है वो शांति है। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? नहीं समझा? हालेलुया, लेकिन हमारा जीवन में क्या हो जाता है, कौन सीधा में चल रहा है, कौन सांस में चल रहा है, कौन सांस में नहीं चल रहा है, कौन झूठ में चल रहा है, उसको जांचता नहीं, सोचता नहीं, और हम लोग उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, सभी को अपना नजर में सब गलत है। कोई तो ऐसा भी बोलने वाला निकालेगा, अभी तक नहीं निकाला, इस मंडली में एक भी अच्छा नहीं ऐसा बोलने वाला भी निकालेगा, ऐसा बात नहीं है। आप जो नजरिया से बोल रहे हैं वो नजरिया गलत,
हालेलुया, क्योंकि आपका आत्मा का आंखें अभी तक खुला नहीं है, इसलिए सोच रहा है कि सब गलत इस मंडली में, कोई भी ठीक नहीं है। हालेलुया। और आपका फ्यूचर तो कहा शांति होगा, आपका फ्यूचर अशांति होगा ये नजरिया से अगर आप देख रहे तो, क्योंकि वचन कहता है धार्मिक जन को, सीधा से चलने वाला को, वचन का हिसाब से चलने वाला को आप पहचान के रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम जो सारोन का है, सारोन गलती किया, मैंने गाली दिया, और आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका साथ देके उसको ऊपर में उठाने के लिए, बात को सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा हो रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ करता है मंडली लोक में जहां भी जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलतियां डेविड ने किया, मैंने उसको कार्य किया, और ये बात को सुन के डेविड का कमजोरी को आपने जान के उसको ले जाके आप आपका साथ में लेके और उसको ज्यादा पाप करने के लिए आपको ताकत देना, वो आपके लिए अशांति लाएगा एक दिन। बच्चन वही सिखा रहा है। हालेलुया, आप लोगों नहीं समझ रहा है, 5 साल से मैं वही शिक्षा देके आ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं गलत किया, मेरा गलतियां को भी मैं छुपा नहीं सकता हूं। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का युग है और ये पवित्र आत्मा का समय में आज गलती किया तो कल तो रिजल्ट मिलना ही है, अच्छा हो या खराब हो। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? ठीक है, सबको समझेगा अभी। जो सीधा आदमी है उसको आपको पहचान के रखना है। अगर कोई उसका खिलाफ बोल रहा है तो आपको बोलना नहीं है, अगर आपको आशीष चाहिए तो, शांति चाहिए तो परिवार में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? शायद प्रभु का दास हो या विश्वासी हो, सीधा आदमी को, धार्मिक जन को एक्चुअली आप पहचान के रखना है, उसका खिलाफ नहीं होना है। सामने वाले को बोल, हे साइट, प्रभु का दास हो या विश्वासी हो, अगर ये सीधा रास्ता पे चल रहा है तो, प्रभु का हिसाब से चल रहा है तो उसको पहचान के रखना है, नहीं तो उसका उल्टा सीधा बोल दिया आपका अशांति जरूर आएगा। हालेलुया, परिवार में क्यों अशांति आता है? जाने में अनजान में कोई किसी सीधा व्यक्ति का आपने खिलाफ बोला होगा, इसलिए शैतान एंट्री मारने का चांस होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मेघालय में ऐसा हुआ, जब पवित्र आत्मा को लेके काम करने लग गया तो वो लोग ने सीधा आदमी को नहीं पहचाना। एक्चुअली वो लोग थियोलॉजी कॉलेज में भी नहीं गया, बहुत सीधा लोग है, प्रभु का इच्छा से चल रहा था। मंडली से निकाल दिया 7 परिवार को, मंडली से निकाल देने का बाद वो 7 परिवार एक्चुअली वो व्यक्ति लोग अपने आप निकाल के नहीं आया जागरा करके, वो लोग को जोर जबरदस्ती मंडली का लोग, मंडली का पास्टर लोग जोर जबरदस्ती निकाला गया, सबका सामने मीटिंग करके, जाने के लिए मन नहीं है, जोर जबरदस्ती निकाला गया। और जब निकल गया अभी क्या करेगा? थोड़ा सा खेर का चर्च बनाया, चर्च बनाने का बाद जब अच्छा से चल रहा था, पास्टर ने उठा दिया, जलाओ, जलाया, चलने वाला को देखते हुए हंसने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया, पास्टर डेड हो गया, पास्टर का बेटा मर गया, जो हंस रहा था पागला पागली हो गया, घूम रहा है, बहुत डेंजर है। हालेलुया, वचन में इसलिए लिखा है, डू नॉट टच द माय एनॉइंटेड वन, मेरे अभिषेक जन को कभी भी छूने के लिए कोशिश मत कीजिए, कभी भी अगेंस्ट करने के लिए कोशिश मत कीजिए। गीत माला 105:15, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मेरा अभिषेक जन को छूने के लिए, उसका अगेंस्ट होने के लिए कोशिश मत कीजिए, और मेरा नाभिय का खिलाफ मार खड़ा हो जाइए, क्योंकि जखरिया में बोला है जो अभिषेक जन है वो परमेश्वर का आंखे का जो मोनी होता है वो होता है। ईश्वर ने एनॉइंटेड जन भरा, ईश्वर ने ना भी भरा, ईश्वर साई को जाने मानी भरा जाए, ईश्वर ने मेघोनी मोनी बोरा बोर होना बुद्ध सर्वे जुदी ईश्वर ने एनॉइंटेड जन को दांग ना जाए, ईश्वर ने मेघन को दांग नहीं जाए। और जिस दिन आप वो काम करेगा,
आप जितना भी धर्म कर्म करो, गीत गाओ, फास्टिंग रहो, परमेश्वर आपका परिवार से बहुत दूर में रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं डरता हूं, मैं कोई भी परमेश्वर का एनॉइंटेड जन का मैं खिलाफ काम नहीं करता हूं, वो लोग को गिराने का मैं काम नहीं करता हूं। हालेलुया। लेकिन जरूर जिसको मैं करेक्शन कर सकता हूं उसको मैं करेक्ट करता हूं, जिसको मैं सिखा सकता हूं उसको मैं सिखा सकता हूं, जिसको मैं बोलना है उसको बोलता हूं। यह बात नहीं कि मैं उसको गिराने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। बोलने वाला दो किस्म का होता है, एक जो है आदमी को गिराने के लिए बोलता है, एक जो है आदमी को सुधारने के लिए बोलता है। आप कौन सा ग्रुप का है समझे? आप अगर आदमी को बोल रहा है तो उसको चेंज लाने के लिए नहीं बोल रहा है, आपका भी हिसाब किताब बराबर प्रभु लेगा। हालेलुया। मेरा भी हिसाब किताब प्रभु बराबर लेगा। अगर मैं डेविड को बोल रहा है मतलब उसको बदनाम देने के लिए बोल रहा है, उसको चेंज लाने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब मेरा भी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। डेविड और मैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही हम लोग हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर वन में क्या है, जो मतलब धार्मिक जन का, जो मतलब प्रभु का एनॉइंटेड जन का जो खिलाफ करता है, वो लोग आपस में कंफ्यूज होके दुश्मनी लोग क्या हो जाते बोला, आपस में लड़ने के लिए शुरू हो जाते बोला। हालेलुया। प्रभु कभी साथ नहीं देगा, वो दो तीन दिन के लिए बहुत गरम गरम हो जाएगा, बहुत कामयाब हुआ जैसा लगेगा, लेकिन लास्ट वो लोग का रिजल्ट जो है जीरो है, ये वचन कह रहा है। अच्छा से पढ़िए, एक ही वचन को मैंने बोला लेकिन बहुत सारा गीत माला में पढ़िए, बहुत सारा वचन है। हालेलुया। दो नंबर में मैंने क्या बोला, जो ब्लेमलेस आदमी है, जो सीधा है, उसको पहचान के रखना है। हालेलुया। इसने बोल दिया तू भी साथ दे के उसका खिलाफ बोलेगा, वो आपका फ्यूचर अशांति होगा, लेकिन इसका फ्यूचर तो बहुत शांति है। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? आप लोग देखिए, मैं कोई किसी का घर में जाके मैंने 10 रुपया तक नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरा ही बदनाम क्यों इस एरिया में, आसाम में मेरा ही बदनाम क्यों होता है? जो बदनाम करता है वो लोग अशांति रहेगा, बचन का मुताबिक से। और जो बदनाम मिला है अगर वो सीधा रास्ता पे चल रहा है तो उसका फ्यूचर शांति है। हालेलुया। आज तक हमको कोई रुक पाया, आज तक कोई मेरा दर्शन जो प्रभु ने दिया, मेरा जो अभिषेक है, कोई खत्म कर पाया? हालेलुया। दो नंबर में ये जानना जरूरी है, अगर आपका जीवन में वो चीज है तो आपको कोई भी खत्म कर नहीं पाएगा, आपका फ्यूचर शांति ही होगा। आपका काम ये नहीं कि उसका साथ लड़ेगा, जो एगेंस्ट आपका करेगा उसका साथ लड़ेगा, आपको उसका साथ लड़ना नहीं, झगड़ा करना नहीं, उसको छोड़ देना है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति देखते रहेगा आपका शांति को, खुद अशांति में झेलना पड़ेगा, इसलिए आपको ये वचन का प्रिंसिपल को लेके चलना है। हालेलुया। अब इसे समझना है, अगर आपको कोई दोषी दे दिया तो उसका साथ आपको लड़ना नहीं है, जागरा करना नहीं है, मुंह से लड़ना नहीं है, जवाब नहीं देना है, चुपचाप रहिए। वो व्यक्ति आपका आशीष का दिन को, आपका उन्नति का दिन को, आपका शांति का दिन को देखते रहेगा और खुद अशांति में रहेगा। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? इसलिए हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। अभी डेविड को कुछ दोस्त ने कुछ बोल दिया, उसका सब चाक के मैं भी चक्र करेगा, उसका माँ भी निकल गया, उसका दीदी भी निकल गया, उसका भाई भी ने चलो बोलेगा, ये गलत है क्रिश्चियन के लिए। हालेलुया। समझ रहे ना? अगर आप सही है तो चुप रहो। हालेलुया। आपने कुछ गलती नहीं किया तो चुप रहो, आपका शांति का दिन को वो लोग देखेगा। हालेलुया। एक्चुअली जो खुद को अच्छा दिखाने के लिए करता है, प्लान लेता है, वो लोग एक्चुअली ज्यादा गलती में करते हैं, पाप ज्यादा वो लोग का जीवन में होता है। हालेलुया। अगर ये सारण हमको, हम लोग का पास्टर गलती है बोल के साबित करने के लिए प्लान लेते रहेगा, 10 साल कोशिश कीजिए, वो गिरते जाएगा लेकिन हमको रुका नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु का साथ चल रहे तो आपका एगेंस्ट में, क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, आपका एगेंस्ट में खड़ा हो जाइए, 10 साल तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, आपका एक चुली तक हिला नहीं सकेगा। हालेलुया।
आपका शांति को टेक के बोलेगा, ये लोग तो इतना ब्लेम मिलने का पर भी शांति से रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आलू चटनी खा रहा है फिर भी अपना बीवी को नहीं मार रहा है, क्या शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आपका जो खिलाफ करने वाला उसको देख देख के वो लोग ज्यादा जलन होगा और वो लोग गुस्सा से आग से भर जाएगा और वो लोग अगर नहीं सुधारेगा वो विनाश हो जाएगा, लेकिन सुधारेगा मन फिराएगा वो लोग उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्रिश्चियन जीवन में एक सबसे गलती मैं देखता हूं, खुद गलती करता है दूसरा को गलतियां साबित कराता है। बहुत सारा मंडली में मैंने देखा खुद गलती करता है शुरुआत में, उसका बाद दूसरा का गलती साबित कराने के लिए प्लान लेता है। वो शैतान के ओर से है, प्रभु के ओर से नहीं है। हालेलुया। अगर आपने गलती किया तो आपको क्या वो गलती है बोल के मैं प्रूफ का सर आएगा क्या, या मैं क्या वकील बैठा है, मैजिस्ट्रेट बैठा है क्या? छोड़ो ना, उसका पास रहने दो। हालेलुया। आपका काम है सीधा रास्ता पे चलना, प्रभु का साथ चलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखते जाइए इस मिनिस्ट्री में, इस मंडली में जो लोग आत्मा में सांस में एनॉइंटेड जन का साथ, पास्टर का साथ यूनिटी है, शांति को कोई भी दुनिया का ताकत रोक नहीं पाएगा। देखते जाइए, गारंटी का साथ मैं लिख के दूंगा। हालेलुया। सिर्फ मेंबर बन के बैठा है, आपका गारंटी मैं दे नहीं सकता। हालेलुया। सिर्फ मेंबर बन के बैठ रहा है, आपका गारंटी मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि जो अभिषेक है वो अभिषेक कमजोर अभिषेक नहीं है। हालेलुया। आपका घर को, आपका परिवार को, आपका बाल बच्चा को बचा सकता है, और ये अभिषेक के द्वारा बहुत सारा लोग उद्धार का मार्ग को पाया है। आसिया में हम लोग है मिनिस्ट्री, लेकिन ये आशा में फैल चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? मैंने आगे में इनडायरेक्टली इतना सिखाया, आपने कभी समझ पाता है कभी समझ नहीं पाता है, कुछ ऐसा घटना हुआ इसलिए बोल रहा है ऐसा बात नहीं। समझ रहे ना बात को? लेकिन मैं ये चीज होते रहता है मंडली मंडली जाके मैंने देखा, इसलिए ये मंडली में भी होने का चांस है, इसलिए मैं सिखा के रख रहा हूं। हालेलुया। ताकि आने वाला काल को ऐसा ना हो। लेकिन एनॉइंटेड जन का अंदर में रह के वो एनॉइंटिंग में कनेक्ट होके आज तो शांति से जी रहा है, वो शुरुआत को कभी नहीं भूलना है लोग। हालेलुया। आप कैसे थे और अभी कैसे हो गया, अभी कुछ नहीं है बोल के चाहता बोलेगा जैसा तैसा चलेगा, उसी में गिर जाता है और वो परिवार को कोई बचा नहीं सकता है। हालेलुया। मैं एक समय में दारू पीता था, एक बार घुसने से 2-3 हजार का पीता था, मारपीट जागरा। एक बार मैं कोई किसी का एगेंस्ट हो गया, उसको बदला नहीं लेगा तो नहीं छोड़ेगा ऐसा व्यक्ति था। लेकिन मैं जब यीशु को पाया, यीशु ने मेरा हर एक गुनाह को माफ किया, मैंने बोला प्रभु ये जिंदगी में कभी दोबारा नहीं जीऊंगा। अगर मैं अभी ठीक है प्रभु का जिसको मिल रहा है बोल के भूल के अगर पुराना जिंदगी को जिएगा, मेरा जीवन को कोई भी मंडली कोई भी एनॉइंटेड जन बचा नहीं सकेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति भूलना नहीं, आप कहां से आया था, कैसे था और आज कैसे हो रहा, और खुद को खुद का परिवार को लेके गमन मत दिखाइए। आपका गमन ही एक दिन आपको नष्ट करेगा। आपका धार्मिक लोगों को दिखा के अंदर में तो दुख है, लेकिन ऊपर में तो बहुत खुशियां जैसा दिखाता है, बहुत धार्मिक जैसा दिखाता है, वो इस हिसाब को एक दिन नष्ट करेगा। इसीलिए जेन्युइन होना है और जो शुरुआत है उसको भूलना नहीं। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? और आज वो ठीक होने का बाद खुद को गमन हो गया, आगे का जैसा कैरेक्टर उसको लेके आएगा तो शैतान कभी दिन आके, शैतान को 5 मिनट ही चाहिए। वो 5 मिनट अगर आप पुराना जिंदगी जिएगा, 5 मिनट में अगर आपको खत्म कर देगा तो आपको माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो शिष्य खुद को होशियार होना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। और एनॉइंटिंग का अगेंस्ट में चलता है, और अगेंस्ट में चलने का वजह से शैतान अगर ये 5 मिनट मौका मिला उसी समय खत्म, क्योंकि आपको 5 मिनट का बाद अगर आपको चांस देगा तो आप माफी मांग के सुधर भी सकते हैं, क्योंकि आपका पास ज्ञान है ना, परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि एनॉइंटिंग का जो सब्जेक्ट है आपको सिखा के रखा है, क्योंकि वचन का जो ज्ञान है उसको तो आपको तो सिखा के रखा है, इसलिए शैतान कभी कभी चांस नहीं देगा आपको प्रभु मुझे माफ कर बोलने के लिए। इसलिए हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
हालेलुया। अगर ये मौका को नहीं मिलता, एक्सीडेंट होके खत्म। ये एक्सीडेंट का डेट कभी भी प्रभु का इच्छा से कभी नहीं होता है। बीमारी का डेट प्रभु का इच्छा से नहीं होता है, शैतान ने मारता है, शैतान ने अटैक करता है। हालेलुया। नहीं तो बोलेगा वो दूसरा पास्टर लोग, हे जितना दिन हम लोग दुनिया में जिएगा बीमारी को ही हम लोग लेके तो जीना ही पड़ेगा ना, ये गलत है। तब यीशु क्यों आया, तब यीशु ने क्यों अधिकार दिया कि हर एक बीमारी को हीलिंग करने के लिए, हर एक शैतान का ताकत को नष्ट करने के लिए और मरा हुआ आदमी को जिलाने के लिए मैंने तुमको अधिकार दिया। मैथ्यू चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10, मार्क चैप्टर 16 का गया ये वचन। तब तो वो वचन झूठ है। अरे खुद अगर जी नहीं सकने से अपना आइडिया से भाषण मत दे दो। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? आमी तो संहारत आसे ना भंटी, उपाय ना, हाई प्रेसर तो होए थाकिबो। एनेकুয়াই आमी पृथ्वी खन बिदाय लय पेलाय स्वर्ग जाबले लागিব কই পেলে যদি কাউন্সেলিং দি আহে ইটো বচন কাওর সে নেই। हालेलुया। क्योंकि अंकल का जीवन में कमजोरी है, अंकल ने सुपर नेचुरल को नहीं मिला इसलिए वो शिक्षा दिया। वचन को पढ़िए ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु को जय होने के लिए हम लोग को अधिकार दिया है, बीमारी को जय होने के लिए हम लोग को अधिकार दिया है, शैतान को भागाने के लिए, शैतान को जय होने के लिए हमको अधिकार दिया है। कहा गया ये अधिकार। हालेलुया। आपका विश्वास ठीक नहीं है वो प्रभु को आप कमजोरी मत समझिए। हालेलुया। चार दिन मरा हुआ लाजरस को अगर जिला सकता है तो क्या बीमारी है ये जो प्रभु चंगा नहीं कर सकता है। इतना में फुल स्टॉप मत रखिए। आमी तो हंगारोड आसे कष्ट तो हो बोई। प्रभु क्या बोला? आप शांति में रहो इसलिए मैं अशांति को सहल चुका हूं, आप चंगा हो इसलिए मैंने कोरे खाया, मार खाया आपका बीमारी का वजह से। हालेलुया। इसलिए आइए आप अगर परमेश्वर का वचन को समझेगा, आप अगर उसका शक्ति को समझ पाएगा, आप वो एक्सप्लॉइट जैसा बनेगा। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। कौन बड़े काम करेगा आज का दिन में? हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन को समझता है, अंडरस्टैंडिंग जिसको है, समझ सकती जिसका पास है, वो परमेश्वर का राज्य में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जिसका परिवार में समझौता है, अंडरस्टैंडिंग है, वो परिवार विकेडली अगेंस्ट द कवेनेंट। जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को, जी व्यक्ति भी लगे, जो व्यक्ति लोग परमेश्वर का वचन प्रीचिंग दे रहा है, वचन को स्वीकार रहा है, उसी का अगेंस्ट आएगा तो वो लोग का क्या होगा? बोला सेल कोरप विथ फ्लेटरी बट द पीपल दोस नो देयर गॉड सेल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट को मालूम है? एक्सप्लोसिव बम जैसा फूटता है कि नहीं, एक्सप्लोशन। इतना बड़ा आपका जीवन में पवित्र आत्मा का बम फूटेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है, उसका बच्चा को समझता है, जिसका जीवन में परमेश्वर का साथ समझौता है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब का जैसा वो आत्मा में फूटेगा, कोई रुक नहीं पाएगा। लेकिन जो वो परमेश्वर का वचन को खिलाफ है, वो खराब से खराब होते जाएगा। बोला कौन सा रास्ता को आप चुनेगा? हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को समझने के लिए कोशिश करेगा, समझौता में आएगा ना, आप उसका उल्टा में जाएगा। जिस दिन आप उल्टा में गया, उसी दिन आपका जीवन खराब से खराब होते जाएगा, अच्छा दिन को आप देख नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को जानने का बाद, परमेश्वर का वचन के अनुसार समझ के चलने लगे, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब का जैसा फूटेगा, कोई रुक नहीं पाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का राज्य में बड़ा काम करेगा, आपका परिवार, आपका जीवन। हालेलुया।